हाँ जी सत श्री अकाल जी, इस वेले असीं मौजूद हाँ गुरद्वारा श्री पंजा साहब विखे और तुसीं दर्शन कर रहे हो उस चश्मे दे जो पंजा साहब दे विच मौजूद है। वेख सकते हो चश्मा और इत्थे सारा सरोवर साहब है। सामने एक तख्ती लगी हुई है, जदों पंजा साहब की मौजूदा बिल्डिंग बनाई गई सी तां बुनियादी पत्थर जड़ा सी जो उस वेले दे महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह ने लगाया सीगा। और इस तरह इस गुरु घर दे विच तुसीं जगह जगह दे वेख सकते हो कि तख्तियां लगियां ने और इन्हां तख्तियां दे विच एक इतिहास है, क्योंकि जिस तरह तुसीं वेख सकते हो गुजर खान तो सीगे, तां हुण तां गुजर खान दे विच कोई भी सिख फैमिली नहीं है। इस तरह हर एक तख्ती दे विच जिथों दे लोग सन, तहसील खारियां ज़िला गुजरात 1935, हुण नहीं पता कि समत है या फिर। इस तरह पंजा साहब जदों तुसीं आंदे हो ते साडे पैरां हेठ जिन्नियां टाइल्स ने तख्तियां ने इहदे विच इक पूरी हिस्टरी है, वेख सकते हो तुसीं। और ए गुरुद्वारा पंजा साहब दी बिल्डिंग है, थले सरोवर साहब है और ए पानी जड़ा है इत्थों पंजे दे थलों निकलदियां होया गुरु घर की बिल्डिंग। और इस तरह पंजा साहब का सारा जो चश्मे का पानी है गुरु घर तो निकलदा होया इर्द गिर्द इलाके सहराब करता है। तुसी सामने जो बिल्डिंग वेख रहे हो गुरुद्वारा श्री पंजा साहब, इस गुरुद्वारे दे हेठां बेसमेंट भी है और यह सारा पानी जड़ा है इस तरह पूरे गुरुद्वारे दे थलों होंदियां होंदे है। तुसी उपर वेख सकते हो जो बड़े ही खूबसूरत और अंटीक किस्म दे गुरुद्वारे दे चारों पासे छत्तां दे अगर तुसी वेखो, इस तरह उस पासे भी उधर भी बहुत ही प्यारी खूबसूरत है। तुसी बिल्डिंग वेखो सामने जो पुरानी बिल्डिंग मौजूद है। मैं नाल दे नाल अपने स्रोतियों नूं दसदा जावां, जे अगर तुसी पहाड़ी दी चोटी तुहानूं उपर नज़र आ रही है और चोटी दे उपर कुछ टावरस भी ने, वह वली कंधारी उत्थे रहिंदा सी। हुण जिहड़े मुसलमान वीर शरदालू वली कंधारी साहब नूं मन्नण वाले लोग ने, मेरी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है, पंजाबी लहर ते पंजा साहब लिखोगे तो उहदी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री तुहाडे सामने आ जाएगी, जिस तरह मैं उहदे च दसदा वा तुहानूं सारा कि किधरों किधरों वली कंधारी इत्थे आए और अगे दे जो वाकियात ने वह भी उहदे च बयान किए गए ने। अगर तुसी उपर चोटी ते वेखो तो हजे भी लोग खास करके जुमेरात और जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा जिहड़े लोग ने इर्द गिर्द पिंडां च जो वली कंधारी नूं मन्नण वाले, क्योंकि जिंदा पीर भी इहनूं कहा जांदा और वह उपर जाते हैं पैदल, उपर तकरीबन कोई 45 मिनट तो एक घंटे का सफ़र है। और थले तुसी हेठां वेख सकते हो गुरुद्वारा साहब, मैं तुहानूं पंजा साहब के भी दर्शन करवा दिते हैं।